कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सैनी की जीत का जश्न, लोगों के सिर चढ़कर बोला, कार्यकर्ताओं ने खूब ठुमके लगाए। यहां तक कि नवनिर्वाचित सांसद सैनी भी खुशी से चहकते दिखाई दिए। नायब सैनी खुली जीप में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। भगवा झंडे और भाजपा के झंडों के साथ ही पूरा शहर भाजपा में हो गया। कुरुक्षेत्र में भाषण सड़कों और गलियों में दिखाई दिया। चलिए देखते हैं नायब सैनी ने जीत की खुशी में क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी की नीति है, मनोहर लाल जी की नीति है, उनके ऊपर मोहर लगाई है। कुरुक्षेत्र की जनता धन्यवाद की पात्र है। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ा मार्जिन जो उन्होंने यहाँ पर दिया है, और हरियाणा के अंदर भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के खाते में जा रही हैं, जो हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो क्षेत्रवाद की राजनीति को समाप्त किया है, परिवारवाद की राजनीति को समाप्त किया है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश का मजबूत विकास किया है, उसके ऊपर मोहर लगाई है। और आज NDA नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 350 से ज़्यादा सीटें, आज नरेंद्र मोदी जी दोबारा फिर देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देश की जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। हम देश की जनता का भी, हरियाणा की जनता का भी, कुरुक्षेत्र की जनता का भी दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। देखिए, इस चुनाव के अंदर जो निर्णय किया हरियाणा के अंदर, जो निर्णय अपना मैंडेट हरियाणा की जनता ने दिया, वो दो दलों की तरफ उन्होंने दिया और बाकी के जो क्षेत्रीय दल थे उनको समाप्ति की तरफ संकेत हरियाणा की जनता ने किया। और सबसे जो ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फंसी हुई है, जिन्होंने देश के अंदर बड़े घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस पार्टी का जनता का विश्वास खो चुकी है। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया, भारी बहुमत नरेंद्र मोदी जी को दिया है, दोबारा फिर देश के प्रधानमंत्री बनाए हैं। और उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया है कि इस चुनाव के अंदर जो राष्ट्रवाद की सोच लोगों के अंदर उभर करके सामने आई है कि हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमारा देश खुशहाल होना चाहिए, आज राष्ट्र की तरफ देश की जनता बढ़ी है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।